हैदराबाद में हुई हैवानियत के 10 दिन में पुलिस ने आरोपियों को सजा दे दी है। डॉक्टर दिशा के साथ दुष्कर्म और जलाकर मार डालने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। शुक्रवार अल सुबह हैदराबाद पुलिस ने हैवानियत करने वाले चारों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। आरोपियों की मौत पर डॉक्टर के पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिल गया है। वही भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि इस सदी के 19वें साल में महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देने वाली ये सबसे बड़ी घटना है। इस एनकाउंटर को अंजाम देने वाले सभी पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं विश्वास कर सकती हूं कि दूसरे राज्यों के शासन में बैठे हुए लोग अपराधियों को तत्काल सबक सिखाने के रास्ते निकालेंगे। जिस घर की बेटी निर्दयता की शिकार होकर दुनिया से चली गई, उस परिवार का दुख कभी कम नहीं होगा, किंतु उस बहन की आत्मा को शांति मिलेगी तथा भारत की अन्य लड़कियों के मन का भय कुछ कम होगा। जय तेलंगाना पुलिस। इधर भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि मैं हैदराबाद पुलिस को बधाई देता हूं और उस नेतृत्व को भी जिसने पुलिस को पुलिस की तरह कार्य करने की अनुमति दी। आप सभी को बता दूं कि ये वो देश है जहां अच्छाई हमेशा बुराई पर हावी रहेगी। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने आरोपियों की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने पर कहा कि हैदराबाद पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो प्रशंसनीय है। यूपी में ये केवल एक ज़िले में नहीं बल्कि हर ज़िले में हो रहा है। चाहे वो लड़कियां हों, महिलाएं हों, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा। यूपी में जंगल राज है। राज्य सरकार के दबाव में राज्य सरकार को हैदराबाद पुलिस से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरह के मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.